किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जो है, इनके अध्यक्ष हैं पिंदर सिंह जी, पिंदर सिंह जी सिद्धू जी, तो इनके नेतृत्व में एक पंचायत हो रही है 28 अगस्त को 2021 सुबह 11 बजे सीतापुर में, आपके शहर में महोली ब्लॉक के पास वाली बाग। जितने भी हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा साथी हैं, मेरी आंटी चाची ताई हैं, छोरी छारी हैं, सभी आमंत्रित हैं, सपरिवार आप सपरिवार आइएगा और इस पंचायत की शोभा बढ़ाइएगा। मुझे भी बुलाया गया है, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मुझे दिया गया है, वहाँ के लोगों से बात करने का मौका मुझे मिला है, तो मैं ये मौका छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आप भी अगर सभी लोग पंचायत में उपस्थित रहेंगे, कुछ बातें सीखेंगे, कुछ सीख करके जाएंगे अपने बड़ों से, कुछ अपने छोटों से सिखा करके जाएंगे, तो सभी लोगों को पहुंचना चाहिए ताकि किसानों को एक मजबूती मिल सके। आगमन हो चुका भाई, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई, आगमन हो गया है बहुत अच्छे से इस बात का कि पंचायतें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम जनता हैं, किसान मजदूर हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक, तो हमारे पास यही एक जरिया होता है पंचायत करके अपनी बात को रखने का, पंचायत में बात रखने का, क्योंकि गांव के लोग हैं, यही तरीका होता है। बाकी सत्ता बदलने का तरीका भी हमारे पास है, जो हमारे हाथ में है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, वो भी बदलेंगे 2022 में। तो उसकी रूपरेखा पहले तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे बहुत साथी हैं उधर, सभी मुझसे मिल पाएं, कोई चूक ना हो, ताकि कोई ये ना कहे कि हमसे आप नहीं मिले, हम आपसे नहीं मिले। तो आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा, जो किसानों का माहौल बना हुआ है, पंचायतों का माहौल बना हुआ है यूपी में, हम उसको पूरा सक्सेसफुल कर सकें और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और आप ज़रूर आइएगा, आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं, ये एक परिवार की तरफ से आप आमंत्रित हो, किसान मजदूर और नौजवान युवा साथी जो है, उनका जो परिवार है, उनकी तरफ से आप आमंत्रित हो, आप आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है आ सकता है उसमें, क्योंकि ये किसान परिवार की तरफ से आपको आमंत्रित है, आप आइए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और दूसरी बात, इसमें एक छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटा मजदूर ही अध्यक्ष होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसान नेताओं को बुला लिया तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, इसमें सभी अध्यक्ष होंगे, सभी की उतनी समानता आएगी, क्योंकि सभी की प्रेजेंटेशन तो सभी की है ना, वहाँ पे होना, प्रेजेंट होना ही उनकी अध्यक्षता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचिएगा, मैं आ रही हूँ आपके शहर सीतापुर में महोली ब्लॉक, और ये आपका पास वाली जो बाग है वहाँ पर किसानों की महापंचायत महाकुंभ लगा हुआ है, आना ना भूलिएगा प्लीज़। जो छोटे हैं वो मेरे साथ सहयोगी, जो मेरे युवा साथी हैं उनका साथ जरूरी है, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूरी है। मैं आ रही हूँ आपके शहर 28 अगस्त सुबह 11 बजे सीतापुर में महोली ब्लॉक के पास वाली बाग में किसानों की महापंचायत महाकुंभ लगा हुआ, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, आप भी आइएगा, आमंत्रित हैं आप। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसान पंचायत जो चली हुई है यूपी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव है 2022 में, और उस बात को रखने के लिए हमें इस चीज़ का करना पड़ेगा, किसान पंचायत का आगमन, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं किसान पंचायतें नहीं हो रही, हालांकि हो रही हैं, जा भी रहे हैं, और हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। आज मैं मेरठ की कचहरी में गई थी तो वहाँ पर बड़ी दुख वाली बात सुनने को मिली, बड़ा दुख हुआ, जो हमारे विकलांग हैं, जिनको विकलांग है, देखो किसके उससे हैं, जो विकलांग है परमात्मा ने चूक कर दी उनके साथ में, उनके साथ में सरकार ने जानबूझ के चूक कर दी। देखिए परमात्मा ने पता नहीं किस गलती के कारण क्या वो किया, लेकिन उनको जो आरक्षण मिला हुआ था 4% का, आज यहाँ पे मेरठ कमिश्नरी चौराहे में मैं गई थी, वहाँ पे इकट्ठा थे बहुत सारे लोग मेरठ में, जो मेरठ की कचहरी है उसके अंदर, तो मैं कह रही भैया इतने सारे लोग आप कैसे, क्या हुआ, कह लगे हमारा जो 4% का हमें कोटा दिया जाता वो भी छीन लिया। देखिए कैसे कैसे लोगों से छीन रहे हैं, अभी तो बात थी मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की जो नौकरी के वो हैं, और देखिए ये विकलांगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट है, बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठावें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके शहर में आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, दो बात करने के लिए, और इनकी बात को भी उठाया जावे, जो किस ये विकलांगों का जो इन्होंने कोटा छीना है, ख़त्म कर दिया है, उनकी बात भी ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जावे, ताकि उनके अधिकार को ना छीना जावे। किस व्यक्ति के अधिकार को छीन रहे, इनको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, अंधे हो गए अहंकार में,
पावर में, नशे में है, कोई बात नहीं, नशा उतारना तो किसानों को आवे है, ऐसी बात ना, कोई घबराने वाली बात, बस एक रह में, इकट्ठे रह में, एकत्रित रह में, ये ध्यान रखें, बाकी सब ठीक होगा, सब बेहतर होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जगह जगह किसान पंचायतों का आगमन कर सकें। मैं आ रही हूँ आपके अपने शहर सीतापुर में।